कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सभी ओके होंगे। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे गणित की पाठ्य योजना बनाते समय आप लोगों को जब जो प्रस्तावना या इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस होते हैं उनको सर्च करने में बनाने में बहुत ही दिक्कत आती है। तो मैंने जितने भी टॉपिक आपके 6th 7th 8th में है मैथ्स के उनका सबका आपका इसमें क्या ले रखा है, तो आपका इन सब में प्रस्तावना प्रश्न मैंने इसमें लिए हैं हर टॉपिक के अनुसार। तो देखिए यहाँ पे ये टॉपिक आपका होगा शंकु की त्रियक ऊंचाई, ठीक है। उसे ज्ञात करने की कैसे प्रस्तावना प्रश्न बनेंगे, तो आप इस तरीके से देख सकते हैं ये यहाँ का इसका प्रस्तावना प्रश्न बनेगा। और उसके बाद देखिए दूसरा जो आपका रहेगा वो रहेगा प्रस्तावना प्रश्न, ये देखिए दूसरा है आपका टॉपिक और ये टॉपिक आपका रहेगा, ठीक है, शंकुआकार वस्तुएं, शंकु के से ये रिलेटेड आपका ये प्रस्तावना प्रश्न है, आपको यहाँ इससे नोट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए ये आपका रहेगा दूसरा जो है यहाँ पे, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए ये बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, ये टॉपिक रहेगा और ये इसके प्रस्तावना प्रश्न रहेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए ये बेलन की त्रिज्या ऊंचाई कैसे ज्ञात करते हैं, उसके लिए ये देखिए ये प्रस्तावना प्रश्न इसके रहेंगे, आप यहाँ से समझिए ध्यान से, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला आपका जो रहेगा टॉपिक वो है, आप यहाँ से टॉपिक देखिए बेलन या लंबवृत्तीय बेलन क्या होता है, उसे अगर पढ़ाना है आपको तो ये देखिए यहाँ से ये इसके इस तरीके से प्रस्तावना प्रश्न निकलेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला जो है वो आपका रहेगा वृत्त का क्षेत्रफल, यानी वृत्त का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, ये टॉपिक पढ़ाने के लिए आपको प्रस्तावना प्रश्न चाहिए, तो देखिए यहाँ से ये आप इनको नोट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए अगला जो है आपका वो है वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, उसकी विमीय आकृति, उसके इस तरीके से आप यहाँ से ये बनाएंगे, आप देखिए ये क्वेश्चन आपके यहाँ से ऐसे रहेंगे। उसके बाद देखिए अगला जो है वो आपका है वृत्त की त्रिज्या, उसका केंद्र बिंदु किस तरीके से वृत्त पढ़ाएंगे आप, इस तरीके से ये उसके प्रस्तावना प्रश्न रहेंगे। अगला जो आपका है वो है चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित, चक्रवृद्धि ब्याज अगर आपको पढ़ाना है तो उसके कैसे प्रस्तावना प्रश्न निकालेंगे, तो आप यहाँ पर टेबल में देख रहे हैं ये आपके चक्रवृद्धि ब्याज के इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस या प्रस्तावना प्रश्न है। अगला देखिए अगला जो आपका है वो परिमेय संख्याएं अगर आपको पढ़ानी है और आपको प्रस्तावना प्रश्न निकालने हैं तो आप इस तरीके से इनकी सहायता से अपने प्रस्तावना प्रश्न बना सकते हैं, निकाल सकते हैं। अगला देखिए अगला आप देखिए परिमेय संख्याओं के योग, ठीक है, इसके देखिए यहाँ पे इस तरीके से आप इसके प्रस्तावना प्रश्न निकाल के और अपना लेसन प्लान बना सकते हैं। अगला देखिए अगला टॉपिक जो आपका रहेगा ये रहेगा आपका परिमेय संख्याएं, ठीक है, ये देखिए इस तरीके से आप इनका प्रस्तावना प्रश्न निकाल कर प्लान बना सकते हैं, ठीक है। अगला देखिए आप इस देख रहे होंगे चतुर्भुज, ये चतुर्भुज आपका है, इसमें इस विशेषकर ये चक्रीय चतुर्भुज का टॉपिक लिया गया है और चक्रीय चतुर्भुज पढ़ाने के लिए आपको इस तरीके से ये प्रस्तावना प्रश्न निकालने होते हैं, ठीक है। अगला देखिए ये जो आपका है वो है कि जो व्रत होता है उस पर व्रत की जीवा पे डाला गया लंब, ठीक है, उस तरीके से नहीं जीवा कैसे निकालते हैं व्रत की, उससे संबंधित आपको प्रस्तावना प्रश्न यहाँ से आप नोट करके अपना बना सकते हैं प्लान। देखिए अगला जो है आपका ये आपका व्यंजकीय समीकरण है, ठीक है, इसकी सहायता से आप अपना प्लान कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से दूसरा है, ये द्विघात समीकरण का आपको पढ़ाना है तो ये आप द्विघात समीकरण यहाँ से देख इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन। उसके बाद देखिए आप देखिए तो आप इसे देखिए, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला है ये घनमूल, घनमूल कैसे निकालते हैं संख्याओं का, इस तरीके से आप इस तरीके से इसको देखिए, ये टेबल जो बनी हुई है यहाँ से आप इसके प्रस्तावना प्रश्न निकाल के अपना प्लान कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। अगला जो है आपका वो है छात्र वर्गमूल ज्ञात करने की विधि, मतलब वर्गमूल ज्ञात करने की भाग विधि अगर आपको छात्रों को पढ़ानी है तो आप अपने इंट्रोडक्टिव क्वेश्चन कैसे निकालेंगे, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन देखिए यहाँ से, ये देखिए यहाँ से इस तरीके से आप इनको लिखेंगे, ठीक है। अगला जो है वो आपका है वर्ग करने की प्रतिलोम संक्रिया को वर्गमूल कहते हैं, ये देखो स्पष्टीकरण दिया है, यानी क्या है वर्गमूल ही है आपका यहाँ पे, ठीक है, तो वर्गमूल से ही संबंधित ये टॉपिक है, आप यहाँ से इस तरीके से ये लिख सकते हैं, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पे ये देखिए पूर्ण वर्ग संख्या, यानी पूर्ण वर्ग संख्याएं अगर आपको पढ़ानी है तो इस तरीके से क्वेश्चन आपके इंट्रोडक्टिव क्वेश्चन यहाँ से निकलेंगे, ठीक है। ये है आपका समलंब चतुर्भुज, अगर आपको पढ़ाना है उसका क्षेत्रफल याद कराना है बच्चों को तो यहाँ से इस तरीके से आप इनकी ये प्रस्तावना प्रश्न लिख सकते हैं, ठीक है। अगला देखिए ये जो आप देख रहे हैं ये देखिए इसका जो टॉपिक है आपका, ये भी आपका चतुर्भुज से ही संबंधित है, उसकी सम्मुख भुजाएँ होती हैं उनका अंतर कैसे निकालते हैं, इस तरीके से आप
यहाँ से ये प्रस्तावना प्रश्न निकाल कर अपना लेसन प्लान जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर अदर किसी सब्जेक्ट के आपको इस तरीके से प्रस्तावना प्रश्न बनाने में कोई दिक्कत आ रही है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर दें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर।